अपने बल्ले से दुश्मन की होश उड़ाने वाले वीरेंद्र सहवाग को आखिर धोनी ने टीम से बाहर क्यों निकाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक बार सौरव गांगुली ने ये स्टेटमेंट देकर सनसनी फैला दी थी कि धोनी ने ही सहवाग को टीम से निकाला है। इस पर जब वीरेंद्र सहवाग से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि धोनी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। वो हमेशा सीनियर प्लेयर्स की इज्जत किया करते हैं और साथ ही वो सीनियर प्लेयर्स की टीम में अहमियत को समझते भी हैं। सहवाग का ये मानना था कि मीडिया ने ही इस बात को बड़ा चढ़कर पेश किया कि सहवाग और धोनी के बीच लड़ाई चल रही है, जबकि ऐसा असल में कुछ था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मीडिया को ही दोष देना गलत होगा, क्योंकि सौरव गांगुली ने ही खुद मीडिया से कहा था कि अगर कप्तान किसी को ड्रॉप करना चाहे तो चयनकर्ता कभी उसके आड़े नहीं आएंगे। लेकिन इसके कुछ समय बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपने पहले के बयान से पलट गए थे। पहले उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर करने में महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है। गांगुली का कहना था कि अगर खराब फॉर्म की वजह से सहवाग टीम से बाहर है तो सचिन और धोनी क्यों टीम में है। गांगुली के मुताबिक उन दिनों सचिन और धोनी अपनी फॉर्म को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें तो टीम से बाहर नहीं किया। लेकिन बाद में गांगुली ने कहा था कि उन्होंने सहवाग को बाहर करने में धोनी का हाथ होने की बात कभी नहीं कही। गांगुली के मुताबिक ऐसा कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर कप्तान की पसंद के खिलाड़ियों को ही टीम में रखा जाता है, उन्होंने कहा, हालांकि हर बार भी ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे क्रिकेट के अनसुनी किस्सों को जानने के लिए बाबा क्रिकेट अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।